ये आपका 1 2 3 4 5 6 छह प्रोडक्ट आपको दिखाया गया है। ये छह प्रोडक्ट का अगर टोटल प्राइसिंग पूछा है अगर कितने का आता है 2779 का आता है। अच्छा 2750 अच्छा ठीक जी। तो अभी इसका जो हम लोग ऑफ दी कॉम्बो में है ये आपका 20% ऑफ है। अच्छा जो आपका लैंडिंग पर है 2220। अभी ये क्लॉथ के ऊपर एक बार आएंगे बता देंगे आपको क्या है। अभी जैसे डैशबोर्ड ये सब जो चार प्रोडक्ट है ये जो मेन हम लोग स्टार्टिंग करते हैं विंडशील्ड का जो ग्लास हो गया या जो नॉर्मल हम लोग का जो पावर विंडो का ग्लास हो गया विंडो का ग्लास हो गया जैसे उस पर हम लोग गंदगी बैठ जाता है देखने में दिक्कत होता है या कोई भी जैसे लॉन्ग टूर से आए टेक्सचर हो जाता है कीड़ा मकोड़ा का गंदगी बैठ जाता है बहुत सारा चीज होता है वो इससे आप क्लीन कर सकते हैं। इसपे भी तार बहुत अच्छा दिया है कंपनी बड़ा दिया है। पैकेजिंग के अंदर में आपको एक प्रोडक्ट के अंदर में तो इसमें एक फ्यूज आता है। अच्छा वो फ्यूज एक एक्स्ट्रा भी मिलेगा। अच्छा बाय चांस आप लॉन्ग बहुत देर ऑन करके छोड़ दिए तो फ्यूज कट गया तो आप यूज कर सकते हैं। यूज कर सकते हैं। सर जी नमस्ते। नमस्ते दादा कैसे हैं दादा। एकदम सही आप बताइए। मैं एकदम जबरदस्त जी। सर वैसे बहुत सारे नया दोस्त देख रहे हैं और आप तो आजकल सोशल मीडिया में काफी फेमस भी हो चुके हैं। सब लोग ये पूछते रहते हैं कि भाई वहाँ का वीडियो कब आ रहा है जी। तो आप पहले यहाँ का एड्रेस थोड़ा बता दीजिए। ये अपना एड्रेस हो रहा है CC7 अजय नगर हो रहा है जी। नियर अजय नगर शिव काली मंदिर ऑपोजिट डोमिनोज पड़ेगा। हाँ। आपको सिग्नल का नाम हो रहा है अजय नगर सिग्नल। अगर आप रूबी से आ रहे हैं तो मुकुंदपुर के एक स्टॉपेज आगे पड़ेगा और अगर आप गोड़िया की तरफ से आ रहे हैं तो हाईलैंड पार्क का जो स्टॉपेज है उसके एक स्टॉपेज आगे पड़ेगा। अच्छा तो और बाकी तो आपको वीडियो में दिखी जा रहा है अपना। हाँ। जो सर्विस रेट में हम लोग का शॉप है। हाँ। जो मेन रोड का बगल में सर्विस लेन होता है वो लेन के अंदर में हम लोग शॉप है और शॉप का नाम तो इस पर फ्लैश भी हो रहा है आप जानते हैं। फ्यूजन ऑटोमोटिव हम लोग का शॉप का नाम है। ठीक जी। छुट्टी कौन सा दिन है आप। हाँ। कितना बजे से कितना बजे खुला रहता है ये थोड़ा बता। ये बहुत हम लोग इस बार तो देख रहे हैं अभी हाल फिलहाल देख भी रहे हम लोग का 10:30 से 8 तो खुला रहता है एवरीडे। सोमवार एवरीडे नहीं सोमवार छोड़ के सोमवार हम लोग का बंद रहता है। मंडे हम लोग बंद रहता है। हाँ मंडे क्लोज रहता है फुल डे क्लोज रहता है। ओके और मंडे छोड़ के एवरीडे हम लोग का मंडे छोड़ के ट्यूजडे से लेकर सैटरडे तक ट्यूजडे सैटरडे तक हम लोग का 10:30 से 8 बजे तक का रहता है। ठीक। और संडे आपका 10:30 से 4:30 बजे तक का रहता है। अच्छा यानी कि हाफ पकड़ सकते। जी 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 सर बेसिकली तो आजकल कॉम्बो का डिमांड काफी है आपको भी पता है। हाँ। तो आज क्या क्या पैकेज आप रखे हैं क्या कुछ। आज बेसिकली हम लोग कॉम्बो वाइज अगर बोले तो 2 कॉम्बो रखे हैं। अच्छा एक तो आपका जो क्लीनिंग एंड आपका जो क्लीनिंग जो आप गाड़ी साफ करने के लिए हो गया स्टेशन या डिटेलिंग के लिए हो गया जो अंदर के लिए इनसाइड के लिए और आउटसाइड के लिए रखे हैं। ठीक। ये 2 कॉम्बो रखे हैं। बाकी जो छोटा मोटा जो हम लोग और लगता है प्रोडक्ट जो गाड़ी के लिए जरूरत है वो और आपको दिखाया जाएगा। ठीक है तो चलिए दोस्तों शुरू किया जाए। तो फर्स्ट कॉम्बो क्या रखे है। फर्स्ट ये छोटा सा कॉम्पैक्ट कॉम्बो है। ठीक है जिसपे हम लोग का बेसिक क्या क्या है पहले बता दे रहे फिर कैसे यूज करना है क्या हम लोग का। ये हम लोग का जो विंडशील्ड ग्लास रियर ग्लास जो है सब ग्लास क्लीनर्स है। अच्छा ये जिसमें आपका सब ग्लास हम लोग इससे क्लीन कर सकते हैं। ओके ये अपना डैशबोर्ड एंड सब जो वुडन जितना भी प्लास्टिक पैनल्स है डैशबोर्ड एंड जितना भी प्लास्टिक पैनल्स है उसको पॉलिश करने के लिए गेट का साइड जी जी जितना भी डोर पैड हो गया डैशबोर्ड हो गया नीचे का फाइबर हो गया आप जो भी बोल जितना भी प्लास्टिक का पार्ट है ये उसके लिए। अच्छा ये आपका हो गया मल्टीपर्पज। ये आपका आपका गाड़ी के अंदर पे कहीं भी यूज कर सकते हैं। अच्छा। आप सीलिंग पे गंदा हो गया सीलिंग कर सकते हैं सीट कवर कर सकते हैं फ्लोर में कुछ हो गया वोमिट गिर गया कुछ भी हुआ आप इसको यूज किए पूरा मल्टीपर्पज है। Okay. ये फोम बेस है ये पूरा मल्टीपर्पज है। अच्छा और ये जो मेन हो गया आपका जो कपड़ा जो हम लोग माइक्रोफाइबर क्लॉथ हम लोग का जो रहता है जिससे ये सब को हम लोग मान लो ये यूज करते हैं तो उसमें भी काम आएगा ये यूज करते हैं उसमें भी काम आएगा ये यूज करते हैं काम आएगा। अच्छा अभी जैसे इस पे एक एक करके समझा दीजिए थोड़ा डिटेल में। अभी ये क्लॉथ के ऊपर एक बार आएंगे बता देंगे आपको क्या है। अभी जैसे डैशबोर्ड ये सब जो चार प्रोडक्ट है ये जो मेन हम लोग स्टार्टिंग करते हैं विंडशील्ड का जो ग्लास हो गया या जो नॉर्मल हम लोग का जो पावर विंडो का ग्लास हो गया विंडो का ग्लास हो गया जैसे उस पर हम लोग गंदगी बैठ जाता है देखने में दिक्कत होता है या कोई भी जैसे लॉन्ग टूर से आए टेक्सचर हो जाता है कीड़ा मकोड़ा का गंदगी बैठ जाता है बहुत सारा चीज होता है वो इससे आप क्लीन कर सकते हैं। अभी हम लोग का बहुत सारा हम लोग तो रिटेलिंग में है बहुत सारा कस्टमर ये भी है हम ये यूज क्यों करें और कूलिंग जो आता है हम लोग घर में ग्लास के लिए वो क्यों यूज ना करें। अब क्या कंपेयर बता। हाँ अब क्या कूलिंग जो प्रोडक्ट जो वो जो घर पे हम लोग यूज करते हैं वो एक अलग चीज है क्योंकि वो आपका ऐसा नहीं है कि वो आपका जो ग्लास पे यूज कर रहे हैं वो धूप को या वो मिट्टी को
या वो कीड़ा को लड़ रहा है उसपे वो सब नहीं होता है। नहीं, नहीं। तो बेसिक नॉर्मल ग्लास के लिए जो सेल्फ होता है हम लोग का या मीटर जो होता है घर के उन लोग के लिए परफेक्ट है। ठीक है, जिसमें कम दूध लगता है वो परफेक्ट। अगर आपका गाड़ी के अंदर में कोई ग्लास है, अगर मान लीजिए जैसे अंदर का जितना ही पार्ट है आप पुलिंग चेक कर सकते हैं, ऐसा नहीं कर सकते। लेकिन ये जो है मोटोमैक्स ब्रांड का, मोटोमैक्स है और भी बहुत सारा ब्रांड आता है अपने पास में, ये जो मोटोमैक्स ब्रांड का है ये आपका सिर्फ गाड़ी का पर्पस के लिए है। ये आपका सिर्फ गाड़ी का, इसमें आप पिक्चर में भी देख पाइएगा मिरर आपका जो जो हम लोग का बाहर का मिरर होता है वो और विंडशील्ड सबका इसमें फोटो दिया हुआ है। ये सिर्फ आपको गाड़ी पे यूज करने का ग्लास क्लीनर है ये। इस पे क्या है आपका जितना भी तेल, जैसे मान लीजिए अगर अभी तो इतना पोल्यूशन है, पोल्यूशन का जो आपका जो हल्का चिपचिपा लेयर बन जाता है बहुत दिन के बाद, तो वो सब के लिए सही रहता है। ये उसके लिए हो गया। ठीक है, उसके बाद अपना हो गया। अब जैसे आप जो क्लॉथ के लिए बोलना चाहते हैं, ये सब स्वेटर है उसमें कोई दिक्कत नहीं। इसके लिए आपको एक स्पेसिफिक अलग से क्लॉथ लेना पड़ता है। ठीक, ठीक। क्योंकि आप ये जो सेगमेंट को यूज करते समय इसको क्लॉथ नहीं यूज कर सकते, तो इसके लिए आपको एक अलग से क्लॉथ रखना होगा, वो एक अलग बात है। अच्छा, जिसके बाद में है कि अपना ये हो गया अपना मल्टीपर्पज क्लीनर। मल्टीपर्पज ये आपका गाड़ी पे कहीं पे भी, आप डैशबोर्ड हो गया, सीलिंग हो गया, आप कहीं पे भी आपका गंदगी बैठा है, कहीं भी हो गया आपका बैठा है, आप इसे आराम से साफ कर सकते हैं। इजी टू यूज है, बस खोलना है हम लोग को, स्प्रे मार देना है, छोड़ देना है, फिर ये स्क्रबर दिया है, स्क्रबर थोड़ा मार देना है, छोड़ देना है। अच्छा, उसके बाद में आपको कपड़ा से पोंछ देना है बस। अच्छा, जैसे जितना भी डार्क स्टेन रहेगा आप ये मार के उसको रहने दीजिए, रिलैक्स करने दीजिए, कुछ नहीं करना है, ये मार के रिलैक्स करने दीजिए, एक दो मिनट ढाई मिनट रिलैक्स करने दीजिए, उसके बाद ये मार के फिर आप कपड़ा मार दीजिए, कोई टेंशन नहीं। सीलिंग का भी काम है ये, आप कहीं भी यूज कर सकते हैं, मल्टीपर्पज है। आप सीलिंग, आप कपड़ा पे भी, मेन अगर इन शॉर्ट में बोला जाए तो ये आप फाइबर प्रोडक्ट पे भी यूज कर सकते हैं, पेंटेड बॉडी पे भी यूज कर सकते हैं, और ये आप अपना लेदर पे भी कर सकते हैं, तो ये हर जगह आप कर सकते हैं। अच्छा, ये क्लीनिंग होने के बाद में हम लोग का आता है डैशबोर्ड पॉलिश एंड लेदर पॉलिश। ये आप कहीं, ये है डैशबोर्ड पॉलिश, आप कहीं भी यूज कर सकते हैं, लेदर प्लस एंड डैशबोर्ड दोनों भी यूज कर सकते हैं। अच्छा, ये क्लीन होने के बाद में ये हम लोग यूज करते हैं नॉर्मली, ये पूरा अच्छा से स्प्रेड करके। अच्छा, ये जो है ये फ्रेग्रेंट वाला है। Okay. एक आता है नॉर्मल आता है जो जस्ट पॉलिश के लिए होता है, और ये फ्रेग्रेंट वाला, जैसे ये आप देख रहे हैं रोज फ्लेवर, और भी बहुत सारा आता है हम लोग पास में। तो इसमें क्या रहेगा आपका, पॉलिश मार के आप फिर नॉर्मल कपड़ा से आप पोंछ दीजिए, पूरा क्लीन हो जाएगा। वाह, वेरी गुड जी। अच्छा, तो सर आप ये बताइए कि एक एक करके लेंगे तो कितना प्राइस हो सकता है, कॉम्बो में लेंगे तो कितना? अगर एक एक करके ये चार प्रोडक्ट अगर आप ले रहे हैं जो देख रहे हैं आप, तो एक एक करके चार प्रोडक्ट का आप लोग 1100 पड़ जा रहा है। 1100 1100 पड़ जा रहा है। 1100 बहुत ही एसेंशियल है जी, जिसपे हम लोग का कॉम्बो प्राइस इसका है 580 ये चारों प्रोडक्ट, चारों का फॉर अगर परसेंटेज के अनुसार देखा जाए तो 45% ऑफ है। सोचिए 45% ऑफ है, आप अगर कॉम्बो में लीजिएगा तो, आप अगर अलग अलग लीजिएगा तो 1100 का करीब आपका प्राइस पड़ जा रहा है जो प्रोडक्ट आपको दिखाया जा रहा है, सेम प्रोडक्ट्स। वाह, और सर इसमें शीशा का कोई दिक्कत तो नहीं होगा? नहीं नहीं नहीं, नीट एंड क्लीन है जी 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 एकदम। वाह, वेरी गुड। और क्या कहे, जो अगर कोई कोरियर में मंगवाना चाहता है? हाँ हो, अब देखिए कोरियर का कोई इशू नहीं है, जो प्राइस वही है, आपको बाहर से भी आप लें या कोलकाता में लेते हैं कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन मेन क्या है, कोरियर के लिए आपको जो कोरियर चार्ज जो थोड़ा मोड़ा है वो एक्स्ट्रा बस लग जाता है, और कोई प्रॉब्लम नहीं, आप कहीं से भी आप मंगाइए कोई दिक्कत नहीं। वो तो देना ही, प्राइस जो है आप आए तो ठीक, नहीं आए तो ठीक, प्राइस वही पड़ना है आपको, वही पड़ेगा, और जो दिखाया जा रहा है वही मिलना है, कुछ अलग नहीं मिलना है। और कुछ कहने की जरूरत नहीं है, देखिए स्क्रीन पर जो दिया हुआ नंबर है ये फ्यूजन ऑटोमोटिव्स का, आप काफी सारे दोस्त जानते भी है सर को, पहचानते भी है, काफी फेमस भी है, चाहे इंस्टाग्राम हो, फेसबुक हो या फिर यूट्यूब हो, हम लोग जब भी वीडियो डालते हैं आप काफी सारे रेस्पॉन्स आता है आप लोगों का, बहुत अच्छा भी लगता है। तो हम लोग रिक्वेस्ट यही करेंगे कि आपको अगर ये कॉम्बो पैक चाहिए तो फटाफट आप स्क्रीन पर जो दिया हुआ नंबर है इस पर कॉल कीजिए, या पर देखिए डिस्क्रिप्शन में भी इनका नाम, नंबर, लोकेशन सब कुछ दिया हुआ है, आप अपना टाइम का हिसाब से कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। सर नेक्स्ट कॉम्बो में हम लोग शिफ्ट करते हैं। एकदम। चलिए दोस्तों, और एक नेक्स्ट कॉम्बो आपके लिए रखा गया है, वो भी हम लोग दिखाते हैं। तो नेक्स्ट कॉम्बो क्या है ये बताइए जी। अब ये जैसे पहले जो आप देखे थे वो इंटीरियर के लिए था, गाड़ी का इनसाइड में आपको क्लीनिंग एंड आपको जो पॉलिशिंग करना है उसके लिए। ये जो पूरा पैकेजिंग आप देख रहे हैं ये एक्सटीरियर के लिए, ये बाहर के लिए। अच्छा। सेम जो अपना माइक्रोफाइबर क्लॉथ था वो जो एंटी स्क्रैच प्रूफ रहता है वो वाला माइक्रोफाइबर क्लॉथ। उसके बाद में अपना ये टायर क्लीनर। अच्छा, ये आपका सिर्फ टायर क्लीनर रहेगा जो आपका फुल टायर के लिए आपको काम आएगा। अच्छा, ये आपका शैम्पू 3M का रहेगा, 3M का शैम्पू रहेगा जिसको अपना कहीं भी आप यूज कर सकते हैं। अच्छा। गाड़ी का एक्सटीरियर में आप कहीं भी यूज कर सकते हैं, वो एक एक करके आएंगे पहले टोटल कॉम्बो में क्या क्या है वो पहले। उसके बाद में आपका 3M का शाइनर आएगा। अच्छा, जो लिक्विड वैक्स आता है हम लोग का, ये 3M का शाइनर आएगा, 3M का रबिंग पॉलिश आएगा। अच्छा,
और लास्ट में 3M का ये वैक्सपॉल का आएगा डिटेलिंग, जो आपका फाइबर पार्ट हो गया या अच्छा। आप रंग जो नॉर्मल बॉडी है उस पर भी यूज कर सकते हैं। ये अपना तो टॉवल हो गया जो हम लोग क्लीनिंग में जो काम आता है, हर चीज में ही काम आएगा ये। उसके बाद में जैसे फर्स्ट स्टेप हो गया हम लोग कार वॉशिंग, ये हम लोग जैसे ये शैम्पू आएगा 3M का, ये जो अदर शैम्पूज आता है मार्केट में बहुत सारा ब्रांड का आता है, हम लोग पास भी बहुत सारा ब्रांड है। 3M में आपका क्या रहेगा ना, बहुत कम क्वांटिटी ऑफ शैम्पू यूज होता है, यानी कि ये आपका रिकमेंडेड प्रोडक्ट। जी जी जी, हम लोग 3M आप देखिएगा, ये बेसिक प्रोडक्ट में आपको बेसिक तीन जो मेन प्रोडक्ट है, जो तीन मेन प्रोडक्ट दिख रहा है वो 3M का ही रहेगा। बहुत अच्छा ब्रांड है, बहुत अच्छा क्वालिटी प्रोवाइड करता है कस्टमर लोग को, हम लोग भी प्रोडक्ट बिक्री करके सेटिस्फाई क्योंकि कोई कंप्लेंट्स नहीं है। अच्छा, ये जो स्पेसिफिक आपको शैम्पू दिखा रहे हैं इसमें आपका बहुत मिनिमम आप क्वांटिटी पे एक अच्छा सीडान गाड़ी या बड़ा गाड़ी आप धो सकते हैं। अच्छा। मतलब इसका स्टेप क्या रहता है, वही अपना नॉर्मल जो होता है मग में आप इसको डाल दिए और शैम्पू पूरा फोम बना लिए और नॉर्मल जो गाड़ी हम लोग धोते हैं वैसे पूरा नॉर्मल धो दिए। तो ये 3M का शैम्पू ही हम रिकमेंड करते हैं, बाकी आप मेरे पास और भी है आपके बजट के अनुसार, जैसा आप वेरियंट लीजिएगा। ठीक है ना, ये हो गया। अब शैम्पू हो गया, ड्राई हो गया, कपड़ा है DMI क्लॉथ है, उससे आप लोग ड्राई कर लिए। ये 3M का ही आपका लिक्विड वैक्स है। अच्छा, जो हम लोग अभी मार्केट में बहुत सुनते हैं सिरेमिक सिरेमिक सिरेमिक, तो ये सिरेमिक नहीं बोलेंगे लेकिन काइंड ऑफ वैसे ही काम करता है एज पर ग्लेयर का। तो ये वो हो गया आपका। अच्छा, जो लिक्विड वैक्स आएगा जो आप लगा करके छोड़ दीजिए और उसको पूरा ये कर दीजिए। अच्छा, शैम्पू वॉश करने के बाद ये सेकंड स्टेप कर सकते हैं ये? नहीं, आप शैम्पू वॉश करने के बाद में आप पहले हम लोग रबिंग करना है। ओके, वो समझ गया। हाँ, अगर वैसे वैसे स्टेप बाय स्टेप है तो शैम्पू वॉश हो गया, अब हम लोग रबिंग किए। रबिंग करने के बाद कैसे करना है थोड़ा बता। रबिंग माने क्या, आप इसके अंदर पैड दिया हुआ है इसका रबिंग के लिए। अच्छा, ये पैड दिया हुआ है इसपे वैक्स है अंदर में, इस पे लाके सराउंड सराउंड करके पूरा गाड़ी पे आपको लगा देना है, जैसे मशीन से घुमाते हैं या हाथ से मैन्युअली करते हैं। और इसको छोड़ दिए, उसके बाद में आप कपड़ा से पोंछ दीजिएगा, पूरा कटिंग रबिंग पॉलिशिंग हो जाएगा आपका। ठीक है, रबिंग पॉलिशिंग के बाद में हम लोग का जो सिराई जो वैक्स है लिक्विड वैक्स वो काम आएगा। वो एक कपड़ा पे आप लेकर के या आप हाथ से भी पूरा गाड़ी पे लगा दीजिएगा, कपड़ा से पोंछ दीजिएगा, पूरा शाइन आ जाएगा। अच्छा, इसके बाद में हम लोग का आता है टायर क्लीनर। अच्छा। अब ये सब बॉडी का हो गया। हाँ। ठीक है ना, ये आगे हम लोग टायर क्लीनर। टायर क्लीनर हम लोग का जितना भी टायर पे गंदगी है वही। हाँ। सेम प्रोडक्ट आपको पहले टायर को क्या वाटर से वो तो शैम्पू क्लीनिंग में हो ही जाएगा। ठीक है, उसके बाद में ये क्लीनर है, उसके बाद भी कोई धूल मिट्टी रह गया तो ये इससे होगा, ये आपका पूरा उससे क्लीन करेगा। उसके बाद में अब लास्ट में बच गया जितना भी ड्राई, जो ड्राई होने के ये सब पॉलिशिंग थी तो बॉडी को आपको चमका ही देगा, जितना भी पेंटेड प्रोडक्ट है ये तो कम्प्लीट कर ही देगा। ये जो हो गया हम लोग का शाइनर जो है, ये आपका सिल्की शाइन, ये जो है आपका जितना भी फाइबर पार्ट है गाड़ी का उसको हम लोग इसको यूज कर सकते हैं। आप चाहे तो आप पेंट पे भी यूज कर सकते हैं, कोई टेंशन नहीं है। कोई छोटा, आप मान लीजिए छोटा जगह पे कुछ हुआ है तो आप ये तो पूरा प्रोडक्ट नहीं करिएगा, पहुंच के आप इसको भी यूज कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो आप ये शाइनर हो गया, ये आप जितना भी फाइबर पार्ट है वहां भी यूज कर सकते हैं, प्लस आप चाहे तो टायर पे भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है उसको। अच्छा, ठीक है जी। अच्छा सर, अब बताइए कि ये टोटल पैकेज अगर अच्छा, कोई लेंगे, ये आपका 1, 2, 3, 4, 5, 6 प्रोडक्ट आपको दिखाया गया है। ये 6 प्रोडक्ट का अगर टोटल प्राइसिंग पूछा है अगर कितने का आता है, 2779 का आता है। अच्छा, 2750। अच्छा ठीक है, तो अभी इसका जो हम लोग ऑफ दी कॉम्बो में है ये आपका 20% ऑफ है। अच्छा, जो आपका लैंडिंग पर है 2220। 2220 जी, 2220 पर है। अब इस पे बहुत सारा कस्टमर ये भी पूछेंगे उस पे 40% था, 45 था, इस पे 20 क्यों, क्योंकि इसमें आप देखिएगा बहुत सारे कस्टमर ने हम भी पूछने वाले बता दिया तो ठीक है। अब इस पे क्या देखिएगा, ये सब ब्रांडेड प्रोडक्ट है, उसपे थोड़ा सा ब्रांडेड था, थोड़ा सा नॉन ब्रांडेड था, क्योंकि वो इंटीरियर का है, उसमें ऐसा कोई एकदम डेडिकेटेड चीज नहीं लगना है। एकमात्र आप मोटोमैक्स का जो हम लोग का ये ग्लास क्लीनर था वो अलग बात है, ठीक है, लेकिन उसमें कोई डेडिकेटेड चीज नहीं लगना है। लेकिन ये जितना भी देख रहे हैं सब ब्रांडेड प्रोडक्ट है। ब्रांडेड प्रोडक्ट में हम लोग खुद को मार्जिन बहुत मिनिमम रहता है, इसलिए हम लोग आपको तब भी ये सब प्रोडक्ट MRP से 5-10 रुपए डिस्काउंट में बिक्री होता है, लेकिन तब भी हम लोग जितना भी हो पाया 20% ऑफ करके 2220 पे हम लोग का आप दे सकते हैं। यानी कि कॉम्बो अगर कोई लेंगे तो उसका सबसे बेनिफिट कॉम्बो में ही एकदम, है। एकदम। तो दोस्तों दो एसेंशियल कॉम्बो तो हम लोग दिखा दिए जी, अभी कुछ एसेंशियल प्रोडक्ट है आपके लिए जो रखा गया है वो एक एक करके बताइए। आज हम लोग का जो था थीम गाड़ी के क्लीनिंग एंड मतलब मेंटेनेंस के ऊपर में था, तो उसके अनुसार दो प्रोडक्ट हम लोग बहुत रिकमेंड करते हैं। एक आपका हो गया टायर के लिए इन्फ्लेटर। अच्छा, जो कहीं आप जाते हैं अभी सब तो गाड़ी ट्यूबलेस हो गया है। हाँ। तो उसके लिए आप एक इन्फ्लेटर रख दीजिएगा, तो क्या रहेगा आपका आपका जो हवा अगर बाय चांस कम भी है, कम भी अगर है। आप निकले हैं हवा कम है तो आप उसके ऊपर में हवा भर के निकल सकते हैं। ओके, तो ये दो प्रोडक्ट इन्फ्लेटर में अभी हम लोग पास में दो रहता है। अच्छा, रहने का तो बहुत रहता है। ये TVS का प्रोडक्ट बहुत अच्छा है, क्योंकि मेन जो है इस पे 2 ईयर्स का रिप्लेसमेंट वारंटी है।
अभी एक बार खोल के दिखा सकते हैं? हाँ हाँ सर। अरे वाह, ये आपका छोटा सा प्रोडक्ट। वाह, ये क्या बैटरी ऑपरेटेड है? ये आपका जो हम लोग गाड़ी में लाइटर सॉकेट होता है, ये जो हम लोग गाड़ी में लाइटर सॉकेट होता है दिखा रहे हैं, ये जो लाइटर सॉकेट होता है ये वहाँ चल जाएगा। अच्छा, और ये बहुत बड़ा तार है आपका। अच्छा, वायर वो, हाँ, बड़ा से बड़ा गाड़ी भी आप कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। और ये आपका चारों टायर में चल जाएगा, मतलब आप एक एक करके आप चारों टायर में दे सकते हैं। ये आपका मैनुअल वाला है। अच्छा, जो अभी आपको हम खोल के दिखाएं, ये आपका मैनुअल वाला है। अच्छा, मैनुअल वाला का आपका जो है क्या है कि आपको यहाँ पे, यहाँ देखिएगा तो यहाँ पे कांटा पे आपको कितना PSI आपका है वो दिखाएगा। अच्छा, तो आपके अनुसार में आप अगर 20, 21, 22 जितना भी आप चाहे आपके अनुसार आप कर सकते हैं। बाकी आप जब आपको नहीं भी पता है कितना है, तो ये जब आप अपना टायर में लगाइएगा तो उस समय आपका कितना PSI वो बता भी देगा। ये हो गया मैनुअल वाला का। अच्छा ठीक है, जिसका जिसका अगर आपको हम प्राइस भी बता दे, संगे संगे प्राइस बता दे चलते हैं, जिसका MRP आपको है 1650। अच्छा, ये हम लोग 1450 में देते हैं। कहीं जा रहे हो यार दूर में फैमिली लेके, अगर मानो कि कोई प्रॉब्लम हो गया तो ये बहुत काम आ सकता है आपका। नेक्स्ट प्रोडक्ट दिखाइए। और बाकी हम ये भी बोल रहे थे कि बाकी अगर सर का नाम लेके आते हैं तो इस पे भी गुंजाइश कर सकते हैं कुछ। हाँ एकदम ये पॉसिबल है। अच्छा, उसके बाद में ये जो प्रोडक्ट है, प्रोडक्ट तो सेम है लेकिन ये आपका डिजिटल है। अच्छा, डिजिटल माने क्या? 2 ईयर्स का वारंटी है हर TVS का, मेरा हर प्रोडक्ट पे, जितना भी ये सब प्रोडक्ट है, कार वॉशिंग किट है, जो भी है, सब पे 2 ईयर्स वारंटी। अच्छा, ये क्या आपका डिजिटल है, जैसे ये आपका एनालॉग था, ये डिजिटल है। इस पे क्या आपका एग्जैक्ट PSI कितना है वो आपको क्लियर कट दिख जाएगा। इस पे 20 है, 40 है, ऐसा है, इस पे आपको एग्जैक्ट दिख जाएगा। अच्छा, इस पे आप सेट भी कर सकते हैं, आपको चाहे 35 सेट कर दीजिए, सेट होकर अपने आप बंद हो जाएगा, ऑटो कट आउट है इसमें, ये अपना अपने आप बंद हो जाएगा, आपको कुछ करना नहीं होगा। जी हाँ, इधर डिस्प्ले भी है जी। अलाहाबाद इसका, इसको आपके अनुसार ऑन ऑफ आपको जो करना है करना। वाह, वेरी गुड। छोटा सा इसका वेट भी तो ज्यादा नहीं वेट है, कुछ नहीं है, 1 किलो वेट मैक्सिमम हो सकता है। वेट कुछ नहीं, वेट ज्यादा मैक्सिमम 1 किलो वेट है। तो ये इसका MRP आपको 2450 है। अच्छा, 2450 रुपीज है। ठीक है, हम लोग का प्राइस 2000 है। 2000 जी। वाह, यानी कि तकरीबन 500 रुपीज आपका सेट तकरीबन बोल सकते हैं आप। और इंडिया ट्यूब का नाम लीजिएगा, उसमें भी कुछ गुंजाइश हो जाएगा। एकदम एकदम, कोई बात नहीं है। ये हो गया हम लोग का वैक्यूम। वैक्यूम सेम ब्रांड, सेम मतलब आपका जो 2 ईयर्स वारंटी वाला जो है, इस पे भी 2 ईयर्स का वारंटी है। ये आपका जो है ड्राई एंड वेट है, यहाँ पे आप देख पाइएगा, ड्राई एंड वेट है, मतलब आपका गाड़ी पे पानी वानी भी हल्का फुल्का गिरा है तो आप इसको यूज कर सकते हैं, ऐसा कोई बात नहीं है। अच्छा, इसका भी आपका जो हम लोग बोले तार वाला, इसपे भी तार बहुत अच्छा दिया है कंपनी, बड़ा दिया है। पैकेजिंग के अंदर में आपको एक प्रोडक्ट के अंदर में तो इसमें एक फ्यूज आता है। अच्छा, वो फ्यूज एक एक्स्ट्रा भी मिलेगा। अच्छा, बाय चांस आप लॉन्ग बहुत देर ऑन करके छोड़ दिए तो फ्यूज कट गया तो आप यूज कर सकते हैं, यूज कर सकते हैं। उसके बाद में छोटा मोटा स्पेस पे यूज करने के लिए आपको ये एकदम पतला वाला सीट का नीचे अगर घुसाना है तो एकदम पतला स्लीक मिलेगा। और अगर जैसे गंदगी बहुत है तो आप ब्रश करके भी यूज कर सकते हैं, ब्रश के टाइम में वैक्यूम में लगा दीजिएगा और उस समय भी आप यूज कर सकते हैं। वाह वाह वाह, तो ये तीनों प्रोडक्ट उसके अंदर ही है। और बाकी रहा बात कि इसको क्लीनिंग का अगर पूछा जाए तो क्लीनिंग करना इसको बहुत ईजी है, इस पे आपका लाइट भी आता है। अच्छा, ठीक है ना। और क्लीनिंग करना इसको बहुत ईजी है, ये आपका लॉक है, यहाँ पे लॉक खोले, ये बाहर आ गया, ये खोल लिया हम लोग इसका। आपका क्लीनिंग इसको आपका जो वैक्यूम हो गया, वॉश नहीं करना इसको, ड्राई होता है। आपका जो वैक्यूम हो गया यहाँ पे अंदर बैठा रहेगा, इसको खोल के तो आप खोले सब इसको झाड़ दिए, पूरा अच्छे से पटक पटक के झाड़ दिए, यहाँ का गंदगी निकाल दिए, थोड़ा पोंछ दिए हाथ से, मतलब सूखा कपड़ा से वापस इसमें लगा दिए। वाह, तो ये लाइफ भी अच्छा है, प्लस लाइफ अच्छा, अगर मान लीजिए खराब भी हो गया तो 2 साल का तो वारंटी है, 2 साल का वारंटी है आपको, तो कोई टेंशन नहीं है, एकदम टेंशन करने की कोई जरूरत नहीं। और रहा बात की, ये ऐसा नहीं है कि जितना भी हम हर प्रोडक्ट का ही हम लोग का, लेकिन इसका ये सब स्पेसिफिक है कि ये सब का कुछ भी प्रॉब्लम होने से, मान लीजिए प्रॉब्लम होता भी है तो इसका जो वारंटी है आपको शॉप पे ही विजिट करना होगा वारंटी क्लेम करने के लिए। ऐसा नहीं आपको बोलेंगे कि आप TVS में चल जाइए वहां पे होगा, तो ये नहीं है। अच्छा, सो फ्रेंड्स, आज का वीडियो इतना ही था। आप सबको दिखाया, दो दो कॉम्बो पैक हम लोग दिखाया जी, और कुछ एसेंशियल प्रोडक्ट्स दिखाया, जैसे कि आपका टैन फिल्टर वगैरह, एकदम सब कुछ दिखाया, क्या क्या प्राइस है, कैसे आप ले सकते हैं, और कौन कौन सा दिन शॉप ओपन रहता है या फिर कौन सा दिन छुट्टी रहता है, सब कुछ बताया, टाइमिंग क्या है वो भी बताया। फिर भी आपको कुछ जानकारी लेनी है, देखिए स्क्रीन पर जो दिया हुआ नंबर है, ये साहब की नंबर है, आप फटाफट कॉल करके अभी बात कर सकते हैं, या फिर डिस्क्रिप्शन में भी इनका नाम, नंबर, लोकेशन सब कुछ दिया हुआ है, आप अपना टाइम के हिसाब से कांटेक्ट कर सकते हैं। सर, व्यूअर्स के लिए कुछ मैसेज
ऐसे तो सब हम लोग का पुराना ही, जो नए फॉलो के जो नए आए हैं इस चैनल पे वो फॉलो कर लीजिए जो, और नोटिफिकेशन बेल ऑन करके रखिएगा, कुछ भी अपडेट आने से आपको जो इन्फॉर्मेशन मिल जाए। सर वीडियो समाप्त करने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, आप अगर बाइक चला रहे हो तो हेलमेट को जरूर इस्तेमाल करें, या फिर आप कार ड्राइव कर रहे हो तो सीट बेल्ट को इस्तेमाल करना ना भूले। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में फिर किसी नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।